गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, तो आज हम लोग लैडर नोट के बारे में जानेंगे और दूसरा हम लोग चेयर नोट के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं आग लगती है और फायर फाइटर्स को कभी कभी हम लोग फायर फाइटर्स को कभी कभी जो है आउटसाइड से चढ़ना पड़ता है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। या मान के चलिए आप किसी जगह पे फंस गए हैं और आपको बाई जो स्टेयर होता है उधर से नहीं बल्कि बाई आपको दूसरे तरीके से आपको रेस्क्यू करना है या बचना है, बचाना है, तो उसके लिए हम लोग लैडर नोट का यूज करते हैं। आज हम बताएंगे कि रस्सी के थ्रू लैडर नोट किस तरह से बनाया जाता है। लैडर नोट का इस्तेमाल ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मान के चलिए लैडर को हम बांध करके ऊपर से नीचे लटका देंगे, उसके बाद मेरा जो सेकंड टाइम होगा तो उतरने और चढ़ने के लिए फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेस बन जाएगा, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जिस रॉप को आप लैडर नोट बना रहे हैं यानी उतरने और चढ़ने के लिए बना रहे हैं, तो एक बार जरूर श्योर करें कि ये रस्सी हमारी मजबूत है या नहीं है, स्ट्रोंग है या नहीं है। अगर मान के चलिए आपकी आपकी रॉप जो है उतना स्ट्रोंग ना हो और आप इसके सहारे अगर उतरने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में तो उतर जाएंगे, जहां से बांधा हुआ है उसके 2-3 फीट 4 फीट 5 फीट तक तो आपका लोड ले लेगा, लेकिन कमजोर रस्सी होने पर जब सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तब ये रस्सी टूट सकती है, तो भयानक रूप से इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है, फैटल इंजुरी वगैरह भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रहे कि हमारा रॉप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और साथ ही साथ हम रस्सी को अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेंगे। तो बता दें फिर से एक बार आपको, लैडर नोट को इन केस ऑफ इमरजेंसी ऊपर से उतरने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अब हम इसको बांधने का तरीका हम बताने जा रहे हैं कि इसको किस तरह से बांधा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि लैडर नोट को किस तरह से बांधा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरू करने जा रहे हैं लैडर नोट को बांधने का तरीका। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको देखना यह पड़ता है कि कितनी दूरी पर आपको गांठ रखना है, ठीक है। 1 फीट पर रखना है, 2 फीट पर रखना है, 1.5 फीट पर रखना है, लेकिन 1 फीट पर ही अप्रोप्रिएट माना जाता है कि 1 फीट पर ही क्या होना चाहिए, गांठ होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चले रस्सी को इस तरह से आप गोल करते हैं, तो गोल करने के बाद अगर इसको खोलेंगे तो मान के लिए ये 1 फीट अगर हुआ फॉर एग्जांपल, तो आपको इतना ही राउंड करना है, या मान के लिए अगर इतना अगर 1 फीट आपका हो रहा है तो इसके हिसाब से आपको राउंड करना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि रस्सी को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, जो बड़ी वाली रस्सी जा रही है ना ये ऊपर से इस तरह से आपकी जाएगी, ठीक है। और अगर आप ऊपर से नहीं अगर उसको नीचे से ले जाएं तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा सीखना। तो हम ऊपर वाला हटा देते हैं, नीचे वाला हम तरीका आपके लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये छोटी वाली रस्सी ऊपर रहेगी, ये बड़ी वाली रस्सी नीचे रहेगी, ठीक है। उसके बाद इस रस्सी को आपको एक ऐसे राउंड में रखना है, ठीक है, राउंड में, ठीक है। ये रस्सी को इस तरह से क्या करना है, आपको राउंड में रखना, देखिए, यानी हिच वाला शेप बन जाना चाहिए। देखिए हिच है ना, यहाँ देखिए हिच बन गया। तो फिर से अगर आप देखिए, छोटी वाली रस्सी को आप ऐसे ऊपर रखेंगे और इस रस्सी को एक बार ऐसे राउंड देकर के आप यहाँ रखते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से राउंड देते हुए हम क्या करेंगे, रस्सी को है ना रखते जाएंगे। तो आप देखिए, आप इस तरह से, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपका इजी होगा बांधना।
ठीक है। तो आप ये देखिए, अभी आपको हम दिखाते हैं 10 मीटर रस्सी में एक बार में कैसे सारे गांठ लग जाते हैं। इसको मैजिक नोट भी कभी कभी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से ठीक बीचों बीच से आपको इसको पास करना पड़ेगा। अब देखिए, इस रस्सी को खींचा जा रहा है और आराम आराम से यहाँ आपको, ठीक है, एक एक जाने देना है। आप खींचिए, ठीक है। अब देखिए, ये आपका धीरे धीरे रुकिए, यहाँ उलझ जाने से कभी कभी फंस जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि उलझे नहीं। और रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, ये थोड़ा सा फंस जा रहा है क्योंकि ये रस्सी इतना सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए फंस जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, फंसता है बट निकल जाता है, ठीक है। देखिए, ये आप देखते जाइए, ये देखिए आपका गांठ लगता जा रहा है, ठीक है। देखिए, आप हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो पूरे रस्सी को दिखाए, गांठ गंदे को इधर से आप दिखाइए, इधर से उधर खींच लीजिए पूरा सब लोग। हाँ, उठा के रखिए, उठा के राजन खड़े हो जाओ तुम। हाँ हाँ, देखिए खड़े हो जाओ। हाँ, पूरे देखिए, इस तरह से रस्सी में आपका गांठ पूरा है ना लग गया है, और इस तरह से आप अब इसके सहारे, ठीक है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, कहीं भी बांध के है ना उतरने और चढ़ने का काम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप देखिए, जरा सा देखिए, देखिए अब पूरे में आपका बेहतरीन गांठ लग गया है, आप इसके सहारे से आप पकड़ के उतर सकते हैं। गांठ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना पड़ता है, जितना सॉफ्ट होता है उतना इजीली गांठ लगता है, और थोड़ा सा क्योंकि रस्सी ये नहीं है इसीलिए, ये लाइटर नोट हो गया, एक बार में सारा गांठ लग गया।